हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपको 17 अक्टूबर 2022 को जो 12वीं इंस्टॉलमेंट आई थी उसका पैसा आपको नहीं मिला है, तो आपको एक काम करना होगा। अगर वो काम आप कर लेते हैं तो आपको 17 नवंबर के आसपास जो है वो किस्त का पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ये अपडेट यहाँ पर आ गया है, कैसे करना है उस पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन योजनाओं का लाभ सबसे पहले ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है। काफी सारे किसान भाई बोल रहे थे कि हमारे को नहीं हुआ है, हमारा नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको पहले अपना फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म में लिखा हुआ क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड। अगर आपका आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड है तो अपना आधार कार्ड को सही करवा लें, से आपको यहाँ पे पैसा जो है वो मिल सके, ठीक है। या फिर स्टेट वाइज अप्रूवल, बहुत से बोल रहे हैं हमारा स्टॉप आ रहा है, तो उनके रिकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। आप अपना फॉर्म अपने आप भी सुधार सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाने के बाद में अपना आधार नंबर डालकर और ये कैप्चा फिल करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको फॉर्म पूरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इस पर मैंने वैसे तो कंप्लीट वीडियो बना रखी है। बहुत से किसान भाई मुझे हमारा ओपन नहीं हो रहा, तो भाई साहब आपको इसी प्रकार से ओपन कर लेना है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर अपना राशन कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं, लैंड शेडिंग की बात करें तो वो भी अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड बता रहा है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, मैंने क्लियर करने के बाद में आपको सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपके सामने कुछ आपके पास का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपकी डिटेल्स यानी जो पर्सनल डिटेल्स होगी वो आपको अपने आप फिल करना पड़ेगी। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी यहाँ पे कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात यहाँ पे आती है कि अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तब नहीं होगा, आप लैपटॉप या पीसी का यूज कीजिएगा, उसके माध्यम से आप अपने फॉर्म को अपने आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हेल्प करूंगा, अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइएगा। और काफी सारे किसान भाइयों का सही हो गया है, जिनको 17 नवंबर के आसपास जो है वो पैसा मिलना स्टार्ट भी हो गया बॉसों को, और कुछ किसान को नहीं मिला है तो उनको भी यहाँ पे किस्त का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।